वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सतनाम सिंह। तो आज हम जा रहे हैं फिर से एक इंडियन ग्रेवी बनाने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं बनाने पनीर बटर मसाला। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था नीचे कि हमें पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर करें, तो आज हम जा रहे हैं पनीर बटर मसाला बनाने के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले ले ली कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो इस तेल को कर लिया गरम, तो इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, हो गया हमारा तेल गरम और इसमें हमने डाले हैं 1 तेज़पत्ता, 1 छोटी इलायची, 1 से 2 क्लोव और 1 दालचीनी। साथ में ही मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा जीरा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स और थोड़ा सा जिंजर डाला है। साथ में ही आप डालें 2 से 3 साबुत ग्रीन चिली, आप तोड़ के डाल सकते हैं। मैं इसलिए इस सब ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि लास्ट में हमें इसे सबको पेस्ट करना है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से ग्रीन चिली को तोड़ के डालें ताकि वो जब तेल में छिटके ना। साथ में ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा प्याज, तो इस प्याज को डालेंगे हम। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब तक होते हैं यहाँ प्याज थोड़े से ब्राउन, तो आइए हम बात कर लेते हैं कि जैसे आप सबको पता ही है कोलकाता की क्या सिचुएशंस थी 2 दिन पहले। ना यहाँ करंट था, ना यहाँ पानी की इतनी दिक्कत हो गई हमें 2 दिन में। तो ये जो साइक्लोन की जो सिचुएशन थी इतनी भयानक थी। आज जाकर सोशल मीडियाज़ में जाकर चेक कर लीजिए कि क्या फुटेज, तो व्हाट वी हैव गॉन थ्रू बीइंग इन दिस सिटी। तो आशा करते हैं कि आप सब अपने घर में सेफ हो गए। तो यहाँ हो गए हैं हमारे अनियन ब्राउन, तो आइए चलिए नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें टमाटर। ओनियन को एकदम ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, आप हल्का सा ऐसे ओनियन को रखें और उसके बाद आप डालें इसमें टमाटर। तो जो टमाटर आप डालें इसमें, और एक चीज़ याद रखिए कि टमाटर और ओनियन का जो रेशियो है, टमाटर 2 से 3 होने चाहिए जहाँ की प्याज आपका 1 होगा। अगर आप 1 प्याज डाल रहे हैं तो आपके 2 से 3 टमाटर होने चाहिए क्योंकि ये टमाटर बेस्ड ग्रेवी जैसा होगा हमारे। तो आइए इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। टमाटर को हल्का हमने पकाना है इसमें, तो आप चाहे तो ढक के पका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर अच्छी तरह से हमने भून लिए हैं, तो आइए इसमें हम डालते हैं मसाले। यहाँ पे नमक डालें आप अपने स्वाद अनुसार, साथ में ही डालें अब थोड़ी सी शक्कर और इसमें डालेंगे उसके बाद हम 1 छोटा चम्मच हल्दी और डालेंगे 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च, साथ में ही 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा करीब चम्मच डालें आप जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से रखें क्योंकि जीरा पाउडर ग्रेवी को काला कर देती है, इसलिए जीरा पाउडर कम ही रखें। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो ये मसाले अच्छी तरह से भून लेने हैं और आपने डालने हैं करीबन 15 से 20 कैशू नट। अगर आपके पास ब्रोकन कैशू नट है तो आप ब्रोकन वाले भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ होल अवेलेबल है तो मैं होल डाल दे रहा हूँ। तो इन सबको हम अच्छी तरह से, इसी को हमारे काजू भी थोड़े से नरम हो जाएंगे, पीसने में इजी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो काजू पेस्ट भी आप डाल सकते हैं और साथ में ही डालें पनीर बटर मसाला की जान कसूरी मेथी। ये मैंने रोस्ट की हुई कसूरी मेथी है, तवे पे रोस्ट कर सकते हैं या तो धूप में भी सुखा सकते हैं इसे। इन सब मसालों को अब अच्छी तरह से भून लें। देखिए आपके अच्छी तरह से मसाले पक गए हैं, तेल भी फ्लोट होने लग गया है। तो आप डालेंगे थोड़ा सा पानी आप कम ही डालें
और इसे एक बार फिर हमने अच्छी तरह से पकाना है। और इस ग्रेवी को हमने ठंडा करके हमने मिक्सी में पीस लेना है, या फिर आपके पास हैंड ब्लेंडर है हो तो आप हैंड ब्लेंडर से भी इसे पीस सकते हैं। तो आइए इसे हम अच्छी तरह से पकाते हैं और 5 से 7 मिनट। देखिए फ्रेंड, ये ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। तो अभी हम कर देते हैं अपना गैस इंडक्शन बंद, क्योंकि तो थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे कर लेंगे पेस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ग्रेवी को ठंडा करके पेस्ट कर लिया है और इसे फिर मैंने वापस कढ़ाई में डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा आप ऐड करें पानी, तो आप देख सकते हैं ग्रेवी का कितना अच्छा कलर है। तो आइए चलिए इसमें हम ऐड करते हैं पनीर। तो इसमें ऐड करें आप पनीर, पनीर के मैंने यहाँ पे काट लिए हैं डाइस, आप चाहे तो और छोटे छोटे काट सकते हैं। और इस पनीर को हम पकाएंगे इस ग्रेवी में। तो यहाँ फिर 5 से 10 मिनट आपको इस अच्छी तरह से पकाना है, ताकि ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो जाए और पनीर भी आपका सॉफ्ट हो जाए। तो आइए इसे अच्छी तरह से पकाते हैं हम। तो फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है इंडक्शन बंद, और ये रही आपकी आज की रेसिपी। और इसमें हम फिनिश करेंगे क्रीम, और आप डाल सकते हैं बटर। तो इसमें आप डालें क्रीम, इसे अच्छी तरह से मिला दें, प्यार से मिला, ताकि आपको जो पनीर है वो बिल्कुल भी टूटे ना। तो देख सकते हैं कितना मस्त कलर हो गया है। तो ये थी आज की रेसिपी पनीर बटर मसाला। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का पनीर बटर मसाला। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान, काली, मैंने यहाँ पे बटर नान बनाया तो मैं इसे बटर नान के साथ खाऊंगा। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। देखिए मेरा नान भी मैंने अच्छा तवे पे बनाया है नान, और ये मेरा पनीर बटर मसाला। तो पूरी वीडियो देखें फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल गाइज विल लाइक दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको इस रेसिपी कैसी लग रही है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, हेल्दी रहें, स्टे सेफ, घर पे ही रहें। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।